एक जनरल परसेप्शन है कि अगर आप किसी टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हों तो ही आप किसी अच्छे इदारे का पार्ट बन सकते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई पर्सनली बिलीव अगर आप मेहनती हैं और आप ईमानदारी से काम करते हैं और जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वो इदारा आपके काम को वैल्यू करता हो तो आप किसी भी इदारे में ग्रो कर सकते हैं। लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी आई व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्टडीज, तो मेरे फादर की सडन डेथ हो गई और हम माशाल्लाह 9 बहन भाई थे और हम में से कोई भी बरसरे रोज़गार नहीं था। उस वक्त ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने पेप्सिको को 2005 में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लाई ज्वाइन किया था। मैं एक ट्रू एग्जांपल हूँ आपके सामने कि जिसने एज एन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लाई पेप्सिको ज्वाइन किया था वो आज एज अ जोनल सेल्स मैनेजर लेवल 8 के ऊपर इस कंपनी के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। रिंग ऑफ ऑनर की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 2015 में इट वॉज रियली ऑनर फॉर मी जब मुझे नॉमिनेट किया गया फॉर दिस अवार्ड, बट इट वॉज रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैंने ये जाके जिस तरीके से ये अवार्ड लिया US में अपनी चेयरमैन से। अच्छा, इस अवार्ड की एक और खूबसूरती ये है कि मुझे ये अवार्ड मैंने अपनी वाइफ के साथ जाके रिसीव किया था। पेप्सिको के जो ग्रोथ ऑफ बिजनेस है उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है जो मैं समझता हूँ वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। पेप्सिको क्योंकि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिज़नेस पार्टनर की तरह ट्रीट करती है, जो कि डे इन डे आउट पेप्सिको की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में सेल करने के लिए अपनी एफर्ट्स लगाते हैं और जिस एफर्ट के साथ टीम मार्केट के अंदर काम करती है वो बड़ी अप्रिशिएबल है। और सेकेंडली ये कि ये उन बिज़नेस पार्टनर्स का पेप्सिको के ऊपर ट्रस्ट है कि पेप्सिको हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। वसीम साहब की बहुत सारी खासियतों में एक खासियत ये भी है कि वो अपनी टीम के साथ मशावरत के साथ काम करते हैं, उनको मोटिवेट रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट रखते हैं। उन्होंने हमें ये कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारा उनका जो कल्चर है वो बॉस और सबॉर्डिनेट का है। पिछले 13 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ मगर एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई वो है मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग।